सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस इस टाइम पर फ्रेंड्स चल रही है। 21 आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आप अपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। तो एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है, तो सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी बड़ी खबर क्या है और सभी को अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ लेनी है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कर लेना है। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली बात जो है वो यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया है, जो अभ्यर्थी अभी कॉलेज परीक्षण शुल्क यानी कि आपका 19,000 रुपये देने में असमर्थ हैं, तो वो 10 रुपये का ई स्टाम्प यानी कि शपथ पत्र बनवा ले, जिसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी। तो जैसे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए, छात्र का नाम, उसके बाद पिता का नाम, पता होना चाहिए और कोर्स का नाम होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये दो चीज़ें इंडिकेट करानी होंगी, जैसे कि मैं 3 माह के अंदर दिनांक 19 जनवरी तक कॉलेज परीक्षण शुल्क 19,000 रुपये कॉलेज खाते में जमा करा दूंगा या फिर दूंगी, ठीक है। गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए है, तो आप ये शपथ पत्र बनवा कर अपना सबमिट कर सकते हैं। 19,000 रुपये आपके पास में अभी नहीं है, तो आपको 3 माह तक का समय दिया गया है, उसके बाद आप जमा करा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए, अगर मैं परीक्षण शुल्क 19,000 रुपये कॉलेज खाते में जमा नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो अन्यथा इस स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायी मैं खुद होंगी, ठीक है, या होऊंगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास में 19,000 रुपये का पेमेंट अभी नहीं गया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए ये आपको शपथ पत्र बनवा लेना है इसी फॉर्मेट में और आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो इसके हिसाब से आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने के समय के अंतराल में ही ये सबमिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं शपथ पत्र बनवाना तो ज़रूर से बनवा लीजिए, ये कॉलेज की तरफ से ही सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया है। अगर वे असमर्थ हैं अपने 19,000 रुपये का पेमेंट करने में, तो वो इस तरीके का शपथ पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19,000 रुपये का पेमेंट, ये वो वाला पेमेंट है जो आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, और अलग से आपको 19,000 रुपये का पेमेंट आपसे मांगा जा रहा है। एक तो 19,000 रुपये आपकी सीट कन्फर्मेशन के बाद में, जब आपने अलॉटमेंट लेटर लिया होगा तब जमा किया होगा, और उसके बाद जब आप कॉलेज गए होंगे तब आपसे ये पेमेंट मांगा जा रहा है। तो ये उस चीज़ के लिए है, ठीक है। एक तो आप सबमिट कर चुके हैं, एक आपने 5,000 रुपये सबमिट किया है, उसके बाद आपने 19,000 रुपये सबमिट किया है, और कॉलेज वाला जो 19,000 रुपये अलग से देना है ये उसके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ और क्लियर कर लीजिए। तो सभी लोग ये बनवा लीजिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपका रहने वाला है, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें अपनी बनवा लेनी है, ठीक है। तो 3 महीने का फ्रेंड्स आपको समय मिल जाएगा, तो आप अरेंज कर लीजिए अपने 19,000 रुपये, और उसके बाद में आप 3 महीने के अंतराल में अपना सबमिट कर सकते हैं। अपना कहाँ पर करना है, कॉलेज के खाता में ही आपको जमा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ के अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और उसके बाद में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा।